एमसीक्यू नंबर 4, इंटीग्रेशन रूट 2 के डीएक्स अपॉन एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 डेन के इक्वल्स टू। बच्चों क्वेश्चन देख लो और मैं चॉइस भी देख लो, फिर मैं सॉल्यूशन देना शुरू करता हूँ। क्वेश्चन एंड चॉइस देख लिए तो मैं आगे बढ़ूंगा। देखो नथिंग टू डू इन दिस वन, इतना तो क्लियर है बच्चों। मैं जो बोल रहा हूँ वो कि एक्स की जो रेंज होगी वो बिटवीन रूट 2 के, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन रूट 2 एंड रूट 2 इज ग्रेटर देन 0, मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। तो अगर एक्स ग्रेटर देन 0 तो मोड एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाता है एक्स। तो पार्ट ऑफ दिस मैं जो क्वेश्चन है डी एक्स, एक्स को हटा के क्या लिखूंगा मोड एक्स, और ये एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू पाई अपॉन 12। बच्चों ये इंटीग्रेशन किसका निकल के आता है, sec इनवर्स एक्स। ये जो इंटीग्रेशन है वो sec इनवर्स एक्स इन केस ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0। अब लोअर अपर बाउंड्री पॉइंट को हटाना है तो sec इनवर्स के माइनस ऑफ sec इनवर्स रूट 2 इक्वल्स टू पाई अपॉन 12। sec इनवर्स के sec इनवर्स रूट 2 क्या होगा, पाई बाय 4, इट इज सेम एज पाई अपॉन 12। तो sec इनवर्स के इक्वल्स टू पाई अपॉन 12 प्लस पाई अपॉन 4। sec इनवर्स के 12 एलसीएम तो पाई प्लस 3 पाई अपॉन 12। तो sec इनवर्स के इक्वल्स टू 4 पाई बाय 12। तो sec इनवर्स के इक्वल्स टू पाई अपॉन 3 गिव्स के इक्वल्स टू sec पाई बाय 3, और उसकी जो वैल्यू होगी sec पाई बाय 3 मतलब sec 60, उसकी जो वैल्यू होगी वो 2। तो k इक्वल्स टू क्या मिलेगा 2, मींस आपकी करेक्ट चॉइस जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बी। तो वो एक बार देख लो, जो है वो फिफ्थ एमसीक्यू है बच्चों। तो फिफ्थ वाला एमसीक्यू भी एक बार क्वेश्चन और चॉइस के साथ फोकस कर लो, तो फिर हम लोग आगे बढ़ने की ट्राई करेंगे। तो मीनवाइल एमसीक्यू नंबर फिफ्थ, इंटीग्रेशन माइनस 1 to 2 मोड एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। अब बच्चों जहां तक सवाल मोड एक्स अपॉन एक्स का है और जो लिमिट से वो माइनस 1 to 2, तो मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूंगा, माइनस 1 to 0 मोड एक्स अपॉन एक्स डीएक्स एंड देन 0 to 2 मोड एक्स अपॉन एक्स डीएक्स। अब बच्चों मेरी बात सुनो, जो फर्स्ट केस है उसमें जो एक्स का डोमेन है, मतलब फर्स्ट केस में एक्स क्या है, तो माइनस 1 लेस देन एक्स लेस देन 0 मींस एक्स इज लेस देन 0, दैट मींस मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी माइनस एक्स। और जो सेकेंड वाला केस है उसमें 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 मींस एक्स इज ग्रेटर देन 0, तो वहां पे मोड एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी एक्स। तो दोनों केसेस में मोड एक्स की वैल्यू में लगा रहा हूं, तो बच्चों माइनस 1 to 0 यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन एक्स डी एक्स हो जाएगा, और यहाँ पे 0 to 2 एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो जहां तक एक्स एक्स का आंसर माइनस निकाल लो, माइनस 1 to 0 और यहाँ पे भी 0 to 2 एक्स। अब एक्स एक्स कैंसिल, माइनस निकाला, 1 इंटीग्रेशन एक्स और ये 1 इंटीग्रेशन एक्स। आफ्टर दैट 0 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 1, और ये होगा 2 माइनस 0, माइनस 1 प्लस 2 दैट इज सेम एज 1। तो आपकी जो करेक्ट चॉइस जो निकल के आएगी वो यहाँ पे कौन सी हो जाएगी डी। एक बार ये देख लो,